प्रश्न है हमारा, फ्रांस की क्रांति का यूरोप पर क्या प्रभाव पड़ा? जी हाँ दोस्तों, फ्रांस की क्रांति का यूरोप पर क्या प्रभाव पड़ा? तो उत्तर है, फ्रांस की 1789 की क्रांति के प्रमुख परिणामों का वर्णन निम्न किया जा सकता है। फ्रांस की क्रांति के परिणाम स्वरूप फ्रांस में सामंती शासन के प्रातः सभी नियम रद्द करके सामंतवाद को समाप्त कर दिया गया। चर्चा की जमीन को मध्यम वर्ग ने खरीद लिया तथा उच्च पादरियों के सभी प्रकार के विशेष अधिकारों को समाप्त कर दिया गया। इस क्रांति के परिणाम स्वरूप राष्ट्रीय सभा ने उच्च पदों के लिए योग्यता के आधार पर चुनाव करने की प्रथा को प्रारंभ करके देश की शासन व्यवस्था में सुधार किया। फ्रांस की क्रांति के परिणाम स्वरूप निरंकुश राजतंत्र सदा के लिए समाप्त हो गई। इस क्रांति के परिणाम स्वरूप निर्धन वर्ग को उच्च वर्ग के अत्याचारों से मुक्ति मिल गई और उनकी उन्नति का मार्ग ही प्रशस्ता हो गया। इस क्रांति के प्रेरणापाक पेंडोल बेल्जियम तथा यूरोप के अन्य देशों ने भी स्वतंत्रता के लिए प्रयास प्रारंभ कर दिया। फ्रांस के साथ ही साथ यूरोप के अन्य देशों में स्वतंत्रता, समानता तथा भ्रातृत्व के सिद्धांत का प्रचार प्रसार हुआ। फ्रांस की क्रांति ने फ्रांस को एक राष्ट्र का रूप प्रदान किया। इस क्रांति के परिणाम स्वरूप फ्रांस में वयस्क मत अधिकार की घोषणा की गई। सन 1952 में प्रथम बार फ्रांस के इतिहास में मजदूरों और किसानों को, जिनके पास संपत्ति नहीं थी, को राजनीति अधिकार प्रदान किए। फ्रांस की क्रांति के गणतंत्र आदर्शों की स्थापना की। वहीं अगला है, फ्रांस की क्रांति के लिए क्या बौद्धिक कारण उत्तरदायित्व है? जी हाँ दोस्तों, प्रश्न है, फ्रांस की क्रांति के लिए क्या बौद्धिक कारण उत्तरदायित्व है? तो उत्तर है, पुनः जागरण आंदोलन ने फ्रांस में जागृत उत्पन्न कर दी। उन अनेक विद्वान तथा लेखक फ्रांस में जन्म ले चुके थे। यह वर्ग राजनीति में भाग लेने की तीव्र इच्छा रखता था। इस इच्छा को बढ़ाने में दार्शनिकों का विशेष हाथ था। इस संदर्भ में कैटलंबी ने लिखा है, लेखक फ्रांसी समाज के असंतोष को उभार रहे हैं। वे जनता को प्रेरणा दे रहे थे, उसके असंतोष को उभार रहे थे। उन्होंने फ्रांस की संस्थाओं के खोखलेपन को अनेक तरह से प्रकट कर दिया। रूसों, वोल्टेयर और मैट्रिक उस युग के तीन प्रमुख विद्वान थे। मैट्रिक्स एक प्रसिद्ध वकील था। वह अत्यंत विद्वान और गंभीर पैनी बुद्धि वाला विद्यार्थी रहा था। उसकी लेखन शैली अत्यंत तीखी और प्रभावशाली थी। उसने एक दार्शनिक आंदोलन आरंभ किया और समालोचना के व्यंग बड़ा छोड़े, जिन्होंने फ्रांस के पुराने राज्य की जड़ें हिला दी। वह संवैधानिक शासन पद्धति और कानून
की सर्वोच्च सत्ता के पक्ष में था। मेंडविक्स ने सरकार चलाने वाले और नियमित करने वाले रीति रिवाजों का विश्लेषण किया और इस प्रकार फ्रांस की पुरानी संस्थाओं के प्रति अंधविश्वास को समाप्त कर दिया गया।